आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। आगामी 22 अगस्त को राखी का त्योहार है। राखी से ही फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ला कलर्स द्वारा राखी एडिशन के तहत होटल सयाजी में 3 और 4 अगस्त को 2 दिवसीय एग्जीबिशन लगाई गई है। प्रातः 11 से 8 बजे तक चलने वाली एग्जीबिशन को विजिटर्स का खासा प्रतिसाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देश भर के प्रमुख एग्जीबिटर्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर श्वेता बजाज ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एग्जीबिशन लगाई गई है। राखी एवं आगामी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की एसेसरीज के स्पेशल स्टॉल्स लगाए गए हैं। एग्जीबिशन की खास बात यह है कि यहाँ पर सेंट्रल जेल की महिला कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का भी स्टॉल लगाया गया है और उसे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस तरह से महिला कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक अच्छा प्रयास भी इस एग्जीबिशन के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं रोटरी क्लब के सहयोग से यहां पर कोरोना बीमारी के कारण अपने परिजनों को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए भी डोनेटर्स हेतु क्लॉथ बुक्स एवं टॉयज के बॉक्स रखे गए हैं। एग्जीबिशन में विजिट करने वाले सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिटर्न गिफ्ट के रूप में तुलसी पौधे का वितरण भी किया जा रहा है। जो सयाजी में ला कलर्स जो एग्जीबिशन लगा हुआ है राखी को देखते हुए किस तरह से आपने प्लानिंग करते हुए एग्जीबिशन लगा और किस तरह का रिस्पांस नजर आ रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। 1.5 साल बाद हम राखी का शो लेके आए। राखी पहले राखी कोविड में गई तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। सुबह से बहुत अच्छा क्राउड है। हमने पब्लिक डिमांड पे ही राखी शो रखा था। पब्लिक की डिमांड थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक इंसान ने अंदर मास्क लगाए हुए हैं, एग्जीबिटर भी मास्क लगाए हुए हैं, हर स्टॉल पे सैनिटाइजर है। ये सब चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड पीपल आर रियली हैप्पी और बहुत अच्छी शॉपिंग हो रही है। जैसे कि 22 अगस्त को राखी है तो क्या लगता है किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है? बहुत उत्साह है। हमें मतलब ये लग ही नहीं रहा कि कोविड कोई चीज़ थी। हम भी यही बोल रहे हैं कोविड है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंसिंग को देखते हुए, सब चीज़ों के पालन, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें ये सब चीज़ों को करना है। देखो त्यौहार है, त्यौहार को तो मनाना है और सारी चीज़ों को साथ लेते हुए चलना है। कौन कौन सी वस्तुओं के स्टॉल अंदर लगे हुए हैं? कपड़े हैं, ज्वेलरी है, रियल डायमंड ज्वेलरी है, टॉयज़ हैं, गिफ्टिंग आइटम्स हैं, होम डेकोर है,
पंजाबी मोजड़ीज़ हैं, ऑल ओवर इंडिया से स्टॉल्स हैं और स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं एंड सब ऑल आर वेरी हैप्पी पीपल, एग्जिबिटर्स भी बहुत खुश हैं, साथ ही साथ हमारे जो विजिटर्स हैं वो भी बहुत खुश हैं। कुछ स्पेशल ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ऑफर्स भी हैं राखी को लेके, कुछ सबके अपने अपने हैं, वो हमें थोड़ा सा नहीं पता होता क्योंकि सब अपने अपने स्टाइल से काम करते हैं, लेकिन कुछ एक आध दो चीज़ें जो हैं, जैसे इस बार हमने चैरिटी हम लोग हर साल करते हैं एग्जिबिशन में, लेकिन हमने कभी डिस्क्लोज़ नहीं करा, लेकिन इस बार हमने कुछ चैरिटी इसलिए डिस्क्लोज़ करी है क्योंकि कोविड में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, उन बच्चों को देखते हुए हमने 3-4 बॉक्सेस यहाँ लगाए हैं जिसके अंदर कुछ टॉयज़ कपड़े और बुक्स का जो लोग दान कर रहे हैं, और यहाँ पे हम तुलसी के पौधों का वितरण कर रहे हैं कि कुछ हमारे लिए वो एफर्ट लेके आए घर से इतना सामान, तो हमने भी कुछ एफर्ट्स लगाए कि हम भी उन्हें तुलसी के प्लांट उसकी रिटर्न गिफ्ट्स में दिए जा रहे हैं। और सेंट्रल जेल की महिलाओं को हमने एक स्टॉल दिया है, सेंट्रल जेल की जो महिला कैदी महिला हैं, ताकि उनको कुछ मोटिवेशन मिले, वो लोग कुछ काम करें, जो उनका कुछ उन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथ से बनाई है, एक ऐसा भी स्टॉल है, हमने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो कुछ बनाएं ताकि कुछ पैसा उन तक पहुंच सके, तो कुछ अच्छे मतलब काम करने से शायद उनको भी कुछ मिले कि एक उनकी ऊर्जा खत्म, मतलब उनकी दिल से ख़त्म हो चुकी होती लाइफ की कितने साल जेल में रह के, लेकिन ऐसे में उनको एक काम मिला, एक व्यवसाय मिला, और प्लस ये चीज़ मिली कि हम कुछ कर सकते हैं आगे भी, हमारे लिए भी बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको भी लोगों ने बहुत प्रोत्साहन किया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत शॉपिंग करी। एग्जीबिशन कब तक चलेगी? ये दो दिन की है, आज और कल रात तक रहेगी, 8-9।